चलिए यारों एकदम ध्यान से, हमारा उद्देश्य अभी चैप्टर नंबर टू को रिवाइज करना। चैप्टर नंबर टू विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, चैप्टर टू जिसकी उम्मीद की जा रही है। चैप्टर टू एग्जाम में आने की उम्मीद है 6 to 8 मार्क्स के लिए, 6 to 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। मेनली चैप्टर टू से जब क्वेश्चन आता है वो आता है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, बट कभी कभी चैप्टर टू से डिफरेंस बिटवीन भी आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछे जाते हैं बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट्स। आपको कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट वन को एक्सप्लेन करना है, इंस्ट्रूमेंट टू को एक्सप्लेन करना है। आपको टेबुलर फॉर्म में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रैंडमली किसी भी दो इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस पूछ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड प्रीमियम नोट एंड जीरो कूपन बॉन्ड। आपको क्या करना है, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट एक्सप्लेन किया, जीरो कूपन बॉन्ड एक्सप्लेन किया, तो इफेक्टिवली दैट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी 2 questions of 2 marks। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जनरली 2, 3, 4 की लड़ाई रहती है इस चैप्टर से। एकदम शांति से इसमें पढ़ा क्या है हमने, इसमें हमने पढ़े वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर के अगर फर्स्ट पेज पे जाता हूं मैं, तो इसके चैप्टर के फर्स्ट 2 pages बात करते हैं अबाउट बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद में स्टार्ट होते हैं अदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमने 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। सबसे पहले इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर में कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, हम सबको पता है इक्विटी शेयर क्या होता है। हम लोग प्रेफरेंस शेयर में गए, उसके बहुत सारे टाइप्स देखे हमने, हमने मॉड्यूल के हमने जब नोट्स देखे उसमें प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स देखे। हमने देखे प्रेफरेंस शेयर की बेसिक डेफिनेशन। प्रेफरेंस शेयर रेफर्स टू अ शेयर विच गेट्स प्रेफरेंस इन 2 cases, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड एंड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो जिस भी शेयर को इन दोनों केस में दिया जाता है प्रेफरेंस, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर। इजी टू गो, प्रेफरेंस शेयर के हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव, नॉन, बोल दो नॉन क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर में पढ़ाया मैंने नॉन क्यूमुलेटिव, डिबेंचर में पढ़ाया मैंने आपको, मतलब जो आया मुंह पे बोलना है। थोड़ा एकदम ध्यान से फोकस करो, पेज पे चिपकते हुए चलो कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, एकदम ध्यान से। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट 2 टाइप पढ़ाए, एक पढ़ाया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। Participating preference share refers to preference share which gets to participate in the business of the company. No, participating preference share refers to that preference share which gets an additional right to participate in the surplus profit after payment of preference dividend and equity dividend. एकदम ध्यान से, preference शेयर के अंदर हमने पढ़ा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर रिफर्स टू दैट प्रेफरेंस शेयर विच गेट्स एन एडिशनल राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, विच गेट्स एन एडिशनल राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड। इन दोनों का जो बचता है वो भी ले जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, उसे कहा जाता है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। याद आ रहा है मैंने एग्जाम्पल से पढ़ाया था, 80-20 का एग्जाम्पल दिया था कि सबसे पहले तो साहब आपने प्रेफरेंस प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, अब जो बचा दैट विल बी डिवाइडेड अमंग हुम, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस को 2 बार मिल रहा था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था आपको, इक्विप्रेफ। इक्विप्रेफ रिफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इश्यूड इन 2 parts, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज वॉट, कंपल्सरी एंड ऑटोमेटिकली कन्वर्टेबल, एंड पार्ट बी इज वॉट, ऑप्शनली कन्वर्टेबल। भूलेंगे तो नहीं, इक्विप्रेफ क्लियर है? इक्विप्रेफ रिफर्स टू दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज इन इश्यूड इन 2 parts, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज कन्वर्टेबल, की कन्वर्टेबिलिटी कैसी होती है? ऑटोमेटिक एंड कंपल्सरी। ऑन द सिमिलर एंड दूसरी जगह पे पार्ट बी की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेबल बट ऑप्शनली कन्वर्टेबल। एकदम क्लियर है हम? बहुत ईजी था सर। उसके बाद में गए हम डिबेंचर्स के अंदर। डिबेंचर्स के हमने बहुत सारे टाइप देखे, डिबेंचर्स के मेनली जब हम टाइप देखने जा रहे थे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर का है, डिबेंचर का है? प्रेफरेंस का होगा ना, तो कैसे मान गए पिछली बार हाँ डिबेंचर का है? अरे क्या गधे हो चुके हो क्या आप लोग? एकदम शांति से, प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्यूमुलेटिव होगा या डिबेंचर में? डिबेंचर बोला सर, आप बोल रहे हो डिबेंचर, तो डिबेंचर ही होगा। क्यूमुलेटिव हमेशा किसके अंदर होगा? प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर तो यू हैव टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस ना, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूम। मुझे एक बार बताओ, अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं? उठाया तो क्यूमुलेटिव होगा। इफ नथिंग हैज बीन स्टेटेड प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी व्हाट,
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो ये मान लिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव होते हैं, ठीक है सर। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल कैसे होंगे? ऑफ कोर्स रिडीमेबल। इंडिया में नॉन रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना अलाउड नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर चलता है। ना प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, ना डिबेंचर हो सकता है, दे हैव टू बी कंपल्सरीली व्हाट? रिडीमेबल। चलो, मैंने आपको डिबेंचर्स के अंदर दो चीजें और पढ़ाई थी, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर, याद आ रहा है? मुझे बताओ विच वन इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी? बेरर। बेरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंपनी आपके नाम के रिकॉर्ड्स नहीं रखती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। वेरिन व्हेन इट कम्स टू रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर इट इज नॉट ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, बिकॉज वहां पे तो आपका नाम उनके पास में रिकॉर्ड में है ना, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के अंदर है, तो रजिस्टर्ड के अंदर आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट साइन करके अंदर आफ्टर यू टू ट्रांसफर इट, इट इज ट्रांसफरेबल बाय अ प्रॉपर ट्रस्टी, प्रॉपर डीड ट्रांसफर डीड। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर। सर ये सब कभी पूछे जाएंगे क्या? नहीं। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड डिबेंचर्स? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज नेकेड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड, बेरर, डन, खत्म। डिबेंचर्स खत्म होता है, फिर ये चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है, पूरी क्लास का फोकस अब यहां पे। अब ये चैप्टर एक्चुअली शुरू हो रहा है आपका, अभी तक तो सिर्फ हंसी मजाक चल रहा था। अभी चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है। ये चैप्टर का आता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, एकदम ध्यान से, अदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला स्वेरिक्री शेयर, स्वेरिक्री शेयर सबके दिमाग में ऑलरेडी फिट है। स्वेट इक्विटी शेयर, इट रेफर्स टू इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज इजी एज दैट। ठीक सर, कोई तकलीफ नहीं, पूरी क्लास का फोकस यहां पे रहेगा, यहीं पे हम कुछ चार मार्क भी करते रहेंगे, ये सर हमें आता है एकदम आराम से। टिक आपको नहीं करना, टिक मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। अरे नहीं नहीं सर, चारों साथ में निपटाते हैं, ठीक है साहब, चारों साथ में निपटाते हैं। यहां पे हमने पढ़े चार वारंट इंस्ट्रूमेंट, पूरी क्लास का फोकस यहां पे, चार वारंट इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े। सबसे पहला पढ़ा सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, इक्विटी शेयर विद डिटैचेबल वारंट, डुअल ऑप्शन वारंट, एंड द लास्ट वन वाज डेड इंस्ट्रूमेंट विद डेड वारंट। एकदम आराम से, सबसे पहला और सबसे डिटेल में देखा हमने सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट के हमने पढ़ा, सबसे पहले ड्रॉ कर लिया सिक्योर्ड प्रीमियम नोट हैज गॉट अ डिटैचेबल वारंट, डिटैचेबल के लिए हमने ड्रॉ किया था, विच कैन कंफर्टेबली बी डिटैच्ड, ठीक है साहब। जो बेस इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? डेट। वारंट गिव्स यू राइट टू बाय इक्विटी शेयर, एंड द बेस इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट व्हाट? अ लॉक इन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑर नॉट? नॉट पेड ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड। ये हुआ सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। इक्विटी शेयर विद डिटैचेबल वारंट, बेस इंस्ट्रूमेंट वारंट, इक्विटी शेयर, प्रीटी इजी। तो इसको आप जब लिखेंगे तब कंफर्टेबली इक्विटी शेयर विद डिटैचेबल वारंट, इसका हम लिखेंगे द कंपनी इश्यूज एन इक्विटी शेयर अलोंग विद द इक्विटी शेयर अ डिटैचेबल वारंट इज इश्यूड। डिटैचेबल वारंट कैन बी ट्रेडेड सेपरेटली। द डिटैचेबल वारंट गिव्स द होल्डर अ राइट टू बाय फर्दर इक्विटी शेयर एज मेंशन्ड इन द वारंट। तो ये आपको ऑटोमेटिकली लैंग्वेज फ्रेम करनी होती है। वापस रिपीट करूं किस तरह से, एकदम आराम से, द इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट अ इक्विटी शेयर एंड अ डिटैचेबल वारंट। द डिटैचेबल वारंट कैन बी ट्रेडेड सेपरेटली, तभी तो डिटैचेबल रखा है। डिटैचेबल का मतलब क्या? यू कैन ट्रेड इट सेपरेटली ऑल्सो। डिटैचेबल वारंट कैन बी ट्रेडेड सेपरेटली, द वारंट गिव्स द होल्डर अ राइट टू बाय फॉर द इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर। थर्ड इंस्ट्रूमेंट डुअल ऑप्शन वारंट। डुअल ऑप्शन वारंट गिव्स यू अ राइट टू बाय थ्रू इट्स टू वारंट। द फर्स्ट वारंट गिव्स यू राइट टू बाय व्हाट? द सेकंड वारंट गिव्स यू राइट टू बाय, एकदम आराम से। हमने देखा द टॉपिक ऑफ डुअल ऑप्शन वारंट। डुअल ऑप्शन वारंट इज अ वारंट इन विच देर आर टू वारंट्स। द फर्स्ट वारंट गिव्स यू राइट टू बाय इक्विटी शेयर, द सेकंड वारंट गिव्स यू राइट टू बाय प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। सर मैं इक्विटी शेयर भी खरीदूं, प्रेफरेंस डिबेंचर दोनों खरीदूं, चलेगा क्या? Yes. अरे ये अलग अलग वारंट है, ये अलग अलग ट्रेड किए जाते हैं, आपको चाहिए तो दोनों को एक्सरसाइज करो ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके साथ कंफ्यूज करने वाला एक बॉन्ड पड़ा था, उसका नाम क्या था? ड्यूअल कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर ऑप्शन होता तो ये होता ना, दैट इज ड्यूअल कन्वर्टेबल बॉन्ड, दैट द बेस इंस्ट्रूमेंट इज बॉन्ड, यू हैव अ कन्वर्टेबिलिटी का चॉइस, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रेफरेंस शेयर, एकदम आराम से। दैट इज ड्यूअल कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो एक ही रहेगा भाई, या तो बॉन्ड रहेगा, कन्वर्ट कर लिया तो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, पर इंस्ट्रूमेंट एक ही रहेगा। ड्यूअल ऑप्शन वारंट में यू माइट हैव थ्री इंस्ट्रूमेंट्स एट द एंड,
बेस इंस्ट्रूमेंट, वारंट वन से खरीदा हुआ इक्विटी शेयर, वारंट टू से खरीदा हुआ इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर। समझ में आ रहा है सबको कहां चल रहा है? अभी तक के सारे इंस्ट्रूमेंट चिपके हुए हैं क्या? अभी तक का कोई याद आने में तकलीफ हुई नहीं? सिक्योर्ड प्रीमियम नोट नाम से याद नहीं आता, लेकिन आपने इतनी बार उसको देख लिया कि अब वो याद आ जाएगा। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट भूलेंगे तो नहीं, स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, डुअल ऑप्शन वारंट डेट इंस्ट्रूमेंट भी, डेट वारंट तो सबसे लड्डू था, बेस इंस्ट्रूमेंट डेट, वारंट गिव्स यू राइट टू बाय डेट, डेट फॉर इक्विटी स्वैप ये भी नहीं भूलेंगे, बहुत छोटा सा है। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज द पावर टू कन्वर्ट योर इक्विटी शेयर इनटू व्हाट, टू कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर। डेट फॉर इक्विटी स्वैप हैज द पावर टू कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, इनडायरेक्टली ये आपसे कन्वर्जन प्रीमियम ले सकते हैं इस तरह से। इफेक्टिवली वो आपको अगर ये डेट फॉर इक्विटी स्वैप देंगे तो ये आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, तो ये आपका एडिशनल पैसा देने का हो गया ना। सो डेट फॉर इक्विटी स्वैप, मान लीजिए डिबेंचर है 100 रुपए के, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 180, मान लीजिए 100 रुपए के डिबेंचर है, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस है 180, तो आप सब हमारे डिबेंचर होल्डर हैं, हम आपको कह सकते हैं ये 50 रुपीज में स्वैप खरीद के अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा लो इक्विटी में। तो आपने डिबेंचर के लिए कितना पैसा दे चुके हो 100, ये स्वैप कितने मिल रहा है 50, तो आपको इक्विटी शेयर कितने में मिलेगा 150 हो गया ना आपके लिए, आपके लिए प्राइस आपको कितने में पड़ी 150 और मार्केट प्राइस 180, तो यू माइट कन्वर्ट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, दैट इज कॉल्ड डेट फॉर इक्विटी स्वैप। क्लियर है हम? चलो उसके बाद में इंडेक्स रेट नोट, नहीं सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पूरी क्लास का फोकस यहां पे। दो इंस्ट्रूमेंट है, एक का नाम है इंडेक्स्ड रेट नोट, बोलो या बॉन्ड बोलो सेम चीज है, दूसरे का नाम क्या है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। चलो मुझे बताओ सर, हम सबको ये तो पता है इनमें से एक तो ऐसा है जिसके अंदर द इंटरेस्ट रेट फिक्सेशन इज पोस्टपोन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट टू द डेट ऑफ प्लेसमेंट, वो कौन सा है इंडेक्स रेट, रेट रेट। अरे बिकॉज टॉपिक भी बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट की ना, तो इंडेक्स रेट नोट इज दैट नोट इन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्सेशन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्सेशन इज पोस्टपोन्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्सेशन इज पोस्टपोन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट टू डेट ऑफ प्लेसमेंट। ये क्या होता है हमने बहुत डिटेल में देख लिया, डेट ऑफ कमिटमेंट क्या होता है, डेट ऑफ प्लेसमेंट अच्छे खासे देख लिया, इट्स जस्ट रिवीजन। सो जहां पे इंटरेस्ट रेट नॉर्मली कहां होता है कमिटमेंट पे, और लेकिन यहां पे वो पोस्टपोन करके आप कहां करोगे डेट ऑफ प्लेसमेंट पे। दिल मान रहा है ना कैसे होगा, फॉर्मुले से हमने पढ़ा है एकदम कंफर्टेबली, तो ये हो गया इंडेक्स रेट बॉन्ड। अरे कंफ्यूज मत होना, इंडेक्स रेट के अंदर योर आंसर शुड स्टार्ट विद द वर्ड रेट, इंडेक्स रेट में योर आंसर शुड स्टार्ट विद द वर्ड रेट, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा हो गया कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ये वो बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट इन्फ्लेशन, व्हेन योर इंटरेस्ट रेट इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन। सर ये याद कैसे आएगा, अरे टैक्स में पढ़ा है ना इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन मतलब क्या गिविंग इफेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन होता है, तो इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन। सर वहां पे भी तो इंडेक्स, वहां पे भी इन्फ्लेशन याद आएगा, बट वहां पे रेट भी तो है, तो रेट से आपको याद आएगा कि आपका आंसर शुड स्टार्ट विद द वर्ड रेट, तो रेट से रेट, और यहां पे सिर्फ इंडेक्स है तो इन्फ्लेशन। अ बॉन्ड इन विच द इंटरेस्ट रेट इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। अभी भी कह रहा हूं मैं, जब टेस्ट लूंगा उसमें 2 मार्क्स के लिए इन दोनों में से एक पूछूंगा, और आप गलत करोगे, और आप गलत करोगे, देखना बहुत लोग गलत करेंगे। अगर मैंने, अब पता है क्या होगा, मैं अगर आपको ये पूछूंगा तो ये तो आप सही लिख दोगे क्योंकि रेट है रेट है, मैं आपसे ये पूछूंगा ना तो आपको याद ही नहीं आएगा, आप यहां पे भी लिख दोगे इंटरेस्ट रेट फिक्सेशन इज पोस्टपोन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट टू द डेट ऑफ प्लेसमेंट, वाजी वाह फुल मार्क्स। ये हमारी तकलीफ है, तो आपको ध्यान रखना है कि गलती नहीं होनी चाहिए। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इसमें रेट वर्ड आया है नहीं आया है तो आपका आंसर रेट वाला नहीं है। दोनों बॉन्ड्स कंसेप्चुअली अलग तरीके से क्लियर हो चुके हैं, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने साथ में डिस्कस किया अभी। आवी क्लियर? चलो इसके बाद में इंडेक्स रेट नोट्स हो गया, नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं ऑन एक्सटेंडेबल नोट्स। अरे सर एक्सटेंडेबल नोट्स नाम से याद आएगा, विच कैन बी, क्या एक ही फीचर था क्या इसमें, कितने फीचर पढ़ाए 3, एकदम ध्यान से। फर्स्ट इट इज जनरली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, इट कैन बी एक्सटेंडेड,
इंटरेस्ट रेट इज रिवाइज पीरियोडिकली. तीन फीचर लिख दिए तो मार्क्स मिलेंगे. एक्सटेंडेबल नोट नाम से आपको लगेगा एक ही फीचर, इट कैन बी एक्सटेंडेड. दो और फीचर है आपको याद रखना, इट कैन बी एक्सटेंडेड इज फीचर नंबर वन, फीचर नंबर टू इशूड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, फीचर नंबर थ्री वॉट इंटरेस्ट रेट इज रिवाइज पीरियोडिकली. इंटरेस्ट रेट इज रिवाइज पीरियोडिकली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तीन फीचर अगर आप लिख देते हैं, दैट इज आर इंडेक्स रेट, एक्सटेंडेबल नोट्स, लेवल पे फ्लोटिंग रेट. हाँ 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 सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड रिफर्स टू दोज बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स रिफर्स टू दोज बॉन्ड इन विच द इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स रिफर्स टू दोज बॉन्ड्स इन विच द इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग. फ्लोटिंग डिपेंडिंग ऑन अ बेंचमार्क. एकदम ध्यान से, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सिंपली रिफर्स टू बॉन्ड्स इन विच द इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग डिपेंडिंग ऑन अ बेंचमार्क. बेंचमार्क कैन बी लाइबर, माइबर, आरबीआई रेट एक्सेट्रा. सर लेवल पे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, लेवल पे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स रिफर्स टू फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इन विच द इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग. एकदम, इंटरेस्ट रेट इज फ्लोटिंग डिपेंडिंग ऑन अ बेंचमार्क विच कैन बी लाइबर, माइबर, आरबीआई रेट एक्सेट्रा, सब्जेक्ट टू अ अपर कैप एंड अ लोअर कैप. अपर कैप प्रोटेक्ट्स हूम, लोअर कैप प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर. खत्म, फिर कुछ हो ही नहीं सकता. जीरो कूपन कन्वर्टेबल, ये आपको याद नहीं है, एकदम ध्यान से. नोट्स में नहीं देखोगे आप, डायग्राम देखे तो याद आ जाएगा ना. एकदम, जीरो कूपन कन्वर्टेबल सर ये भूल गए. जीरो कूपन कन्वर्टेबल नोट्स रिफर्स टू दोज नोट्स विच आर जीरो कूपन बॉन्ड्स. ऑफ कोर्स जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, विच हैव जीरो कूपन, नो इंटरेस्ट, बट दे आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट. जिससे कि ये डिस्काउंट पे इशू कर दिया है, तो ये इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू में जो डिफरेंस है, दैट बिकम्स आर इंप्लाइड इंटरेस्ट. चलो ये तो हो गया जीरो कूपन बॉन्ड. अब आते हैं हम लोग जीरो कूपन कन्वर्टेबल नोट. सर व्हाट डू यू मीन बाय जीरो कूपन कन्वर्टेबल नोट्स? एकदम ध्यान से, जीरो कूपन कन्वर्टेबल नोट्स रिफर्स टू दोस जीरो कूपन बॉन्ड्स व्हिच हैज गॉट टू ऑप्शन. ईदर द पर्सन कैन कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, इक्विटी शेयर. इफ द पर्सन कन्वर्ट्स इट इनटू इक्विटी शेयर, ही हैज टू फॉरगो ऑल द इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट. और द सेकंड ऑप्शन इज यू कैन रिडीम इट एट पार. तो तब पूरा इंटरेस्ट ले सकते हो. सर इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है ना, अरे इंप्लाइड इंटरेस्ट की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? तो अगर आज वो 60 रुपीज में मिला मुझे, ड्यूरेशन पे मुझे खत्म होने पे 100 रुपीज मिलने वाले थे. आज 60 में मिला, ड्यूरेशन खत्म होने पे 100 रुपीज मिलने वाले थे मुझे. तो मैं या तो 100 रुपीज तक वेट करके 100 रुपीज ले सकता हूँ, या फिर कन्वर्ट करा के 60 का इक्विटी शेयर ले सकता हूँ. तो जीरो कूपन कन्वर्टेबल बॉन्ड रिफर्स टू दोज बॉन्ड विच हैव गॉट टू ऑप्शन एट द मेच्योरिटी. ईदर यू कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, इफ यू ऑप्ट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर यू हैव टू फोरगो ऑल द इंटरेस्ट, और यू कैन रिडीम इट एट पार. Are you understanding? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. जिन जिनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, इसको 4 मार्क कर दो. चलो एकदम ध्यान से, थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि सर ये भूल सकते हैं, हमें याद नहीं आएगा, तो 4 मार्क कर लो. 4 मार्क क्यों किया है, अगली बार इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, पहले 4 मार्क वाले पॉइंट पढ़ोगे, फिर सारे पढ़ोगे, जिससे कि जो 4 मार्क है वो 2 बार रीडिंग हो जाएगी उसकी. चलो, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड विच आर इशूड एट डीप डिस्काउंट एंड नो इंटरेस्ट इज पेड. Disaster bond refers to those bond in which the interest rate is dependent on disaster. Disaster hua to bahut interest milega kya? Disaster occurs, the return would be low. And if disaster does not occur, return would be higher. Yaad to nahi karna pada? Logically soch sakte na, agar disaster hua to insurance companies ko kya ho raha hai? Loss. To hume kahan se degi? Isliye return would be low. Understanding pretty easy and vice versa. Easy exit bond, नाम ही जैसे लिखा है, easy exit bond, which are very liquid, or there is what? Exit opportunity. जहां पे आप जब चाहें उसको redeem करवा सकते हैं, उसे कहा जाता है easy exit bond. Easy exit bond refers to those bond which can be redeemed at any given point of time. जब चाहें exit करो, आप उसको cash में convert करा सकते हो, easy exit bond. Easy है. Pay in kind bond, ये bond interest cash में देते हैं या फिर further bonds में देंगे? फर्दर बॉन्ड्स में. जब फर्दर बॉन्ड्स इशू होंगे उनको क्या कहते हैं? और जो इनिशियल बॉन्ड्स थे, पेरेंट बॉन्ड. बहुत इजी वाले चल रहे हैं. ये है जो हम डिस्कस करेंगे अभी. नेक्स्ट फ्लोटिंग रेट, हम पहली बात करते हैं. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स रिफर्स टू दोस बॉन्ड्स इन विच द इंटरेस्ट इट इज नॉट फिक्स, इट इज फ्लोटिंग डिपेंडिंग ऑन अ बेंचमार्क. बेंचमार्क कैन बी लाइबोर, माइबोर, आरबीआई रेट एक्सेट्रा. चलो फिर आता है खास तौर पर एक क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड. एकदम ध्यान से, क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड हमने डिस्कस किया था. क्लिप एंड स्ट्रिप बॉन्ड रिफर्स टू दैट बॉन्ड. एकदम ध्यान से, क्लिपिंग एंड स्ट्रिपिंग हुई है जिसके साथ. क्लिपिंग एंड स्ट्रिपिंग इज अ प्रोसीजर विच कन्वर्ट्स अ नॉर्मल बॉन्ड इनटू टू बॉन्ड, वन बीइंग अ
जीरो कूपन बॉन्ड, द अदर वन बीइंग अ करंट कूपन बॉन्ड. फिर जीरो कूपन बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे, करंट कूपन बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे. जीरो कूपन बॉन्ड रिफर्स टू दैट बॉन्ड इन विच नो इंटरेस्ट इज पेड बट इशूड एट अ डिस्काउंट. करंट कूपन बॉन्ड विच इज इशूड एट अ प्राइस बट नो रिडेम्पशन वैल्यू एग्जिस्ट. ऐसा आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी क्लिप एंड स्ट्रिप. जबरदस्ती आपको डिफिकल्ट लगता है, घर जाके एक बार लिख के देखोगे तो बहुत कंफर्ट लेवल आ जाएगा एकदम आराम से. क्लिप एंड स्ट्रिप. स्टेप्ड कूपन बॉन्ड, ईयर वन में 5%, ईयर टू में 12%, ईयर थ्री में 14%, ईयर फोर में 16%. अगर इंटरेस्ट रेट इज स्टेपिंग अप या फिर इंटरेस्ट रेट इज स्टेपिंग डाउन, दिस इज नोन एज व्हाट? स्टेप्ड कूपन बॉन्ड. अरे कूपन मतलब इंटरेस्ट, तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट स्टेप अप या स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप्ड कूपन बॉन्ड. ये तो जीवन में नहीं भूलेंगे हम. अरे नाम खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना, मैं क्या हूं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड, एकदम ध्यान से याद नहीं आएगा एग्जाम टाइम पे. एग्जाम टाइम पे ठंडे पड़ जाते हैं हम थोड़े से, एग्जाम टाइम पे और प्रेशर में याद नहीं आता है. इंडस्ट्रियल रिवेन्यू बॉन्ड, द प्रॉब्लम इज द नेम डज नॉट सजेस्ट इट्स फीचर्स. इंडस्ट्रियल रिवेन्यू बॉन्ड, बट हमने इसको बहुत शिद्दत से पढ़ा था तो हमें याद आना चाहिए. एकदम ध्यान से मुझे बताओ, पहली चीज तो ये टैक्स वाले बॉन्ड होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड. दीज आर टैक्स फ्री बॉन्ड इशूड बाय, कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं बोल रहा है ना, दीज आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ टू फाइनेंस प्राइवेट कंपनीज नीड फॉर एक्सपांशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट. एक्सपांशन, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, ये तीन ऐसे काम होते हैं जिसके लिए अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो प्राइवेट कंपनी लोकल गवर्नमेंट को बोलती है थोड़ा मदद करो ना, तो लोकल गवर्नमेंट फिर मार्केट में बॉन्ड्स इश्यू करती है, पैसा कलेक्ट करती है, पैसा इनको देती है, यही लोग रीपे करते हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट रीपे करती है पब्लिक को. सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली ले नहीं सकती, और प्राइवेट कंपनी ग्रो करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का अपने आप काम हो जाएगा ना, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. याद आ रहा है किस तरह से? दीज आर टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट टू फाइनेंस द नीड ऑफ प्राइवेट कंपनीज एक्सपांशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी. ये है इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड. आर वी अंडरस्टैंडिंग? एकदम लड्डू है, याद होगी पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हमने वो डायग्राम ड्रॉ किया था, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा नोट्स में. चलो नेक्स्ट कम्स कमोडिटी बॉन्ड. वेरी इजी. कमोडिटी बॉन्ड रिफर्स टू दोज बॉन्ड, कमोडिटी बॉन्ड रिफर्स टू दोज बॉन्ड हुज वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अरे कमोडिटी के प्राइस बहुत बढ़ गए, आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा. कमोडिटी के प्राइस गिर गए, आपको रिडेम्पशन वैल्यू कम मिलेगा. कमोडिटी बॉन्ड. अरे मान लो ये तो ठीक है, मैं इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करूं, अगर मैंने आपका पैसा, इनका पैसा, इनका पैसा, सबका पैसा इकट्ठा करके एक साथ में हम कमोडिटी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटी पूल. कमोडिटी पूल इज नथिंग बट व्हेन अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर पूल इन देयर मनी एंड इन्वेस्ट इन कमोडिटी फ्यूचर्स, दैट इज कमोडिटी पूल. ठीक है सब. फिर आया हमारा खतरा, कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड. कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड क्या कहना चाह रहा है? कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड है जो आपको कहना चाह रहा है कि The issuer has got a carrot in his hand and a stick. Issuer has got a carrot and a stick. The carrot is the reward, which is the lower conversion premium. The carrot is the lower conversion premium and the stick is the issuer power to do what? Redeem the bonds. Stick is the issuer's power to redeem the bond even at premium. तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको कन्वर्ट करने का बोल रहा हूँ, कन्वर्ट हो जाओ साहब, और अगर कन्वर्ट नहीं हुए I will redeem you. So the issuer has got a carrot and a stick. The carrot gives you a lower conversion premium. कि सस्ते में equity share में convert कर सकते हैं. नहीं हो गए तो issuer has the power to even redeem you. चलो bond holdership से भी निकलो आप. So ये कर सकता है issuer if the issuer has issued what? Carrot and stick bond. Capital stock index हम देख चुके हैं. डुअल कन्वर्टेबल देख चुके हैं, टैक्स फ्री जिसके अंदर आपको टैक्स पेनी का टैक्स फ्री बॉन्ड. फिर आता है एक आखिरी खतरनाक इंस्ट्रूमेंट, दैट इज व्हाट? ट्रैकिंग स्टॉक. ट्रैकिंग स्टॉक क्या होता है? एकदम ध्यान से हमारे सामने आ रहा है ट्रैकिंग स्टॉक. ट्रैकिंग स्टॉक इज अ स्टॉक इन विच द रिटर्न विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर कंपनी, द रिटर्न विल बी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर division or a particular specific business unit or strategic business unit. So when your return does not depend on the performance of the company, your return depends on the performance of a specific division. That is what tracking stock. So if the company is performing poor but your division is performing well, your return would be what? Higher. Are you understanding?
ट्रैकिंग स्टॉक, ये भी एक्चुअली नाम से सजेस्ट कर ही देता है, ट्रैकिंग स्टॉक, ट्रैक करो बेस्ट डिविजन और इन्वेस्ट करो ट्रैकिंग स्टॉक। कमोडिटी पूल हमने देखा, ईटीएफ बाकी है, फंड ऑफ फंड्स अभी तो कुछ पढ़ाने जैसा ही नहीं है। फंड ऑफ फंड्स वैसे मैंने कहा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार पढ़ के उसको छोड़ देना, आपको कंफ्यूज करेगा, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। व्हेन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन अनदर म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड। क्लासिफिकेशन, एक होता है प्योर, प्योर इंस्ट्रूमेंट जो कि एकदम स्वच्छ है, जो बिल्कुल भी किसी और के साथ घुला मिला नहीं है साहेब, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। दूसरा आता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि घुल मिल चुका है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और तीसरा है डेरिवेटिव, जो कि हम चैप्टर फोर में पढ़ेंगे, तो उस पर दिमाग नहीं लगाते अपन अभी, दैट इज डेरिवेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग, एकदम कंफर्टेबल है? एंड दिस इज द एंटायर चैप्टर। आई विल टेल यू कितनी देर लगी, 26 मिनट्स में वी हैव रिवाइज द एंटायर चैप्टर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, होता क्या यारों, अभी हमें लेक्चर जस्ट बैच चल रहा है ना, थोड़ा याद रहता है, अब बाद में याद होना धीरे धीरे रिसेप्टिविटी लेवल कम हो जाती है, एंड दैट इज वाई डिवाइज दिस फीचर। ये जो सारे रिविजन वाले वीडियो है ना, ये यूट्यूब पे जाएंगे, ये सिर्फ आप लोगों का पर्पज सर्व करने के लिए। बाहर वाला आदमी देखेगा तो उसको ऐसे कुछ समझना ही नहीं है, भाई क्या बात कर रहे हैं, कैरेट कहाँ से आया, कैरेट कहाँ गया स्टिक। तो मैं कह रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको समझेगा जिन्होंने इसी लेवल से पढ़ाई की है। ये आपका पर्पस क्या सर्व करेगा, जब आपका बैच खत्म हो गया, अब मान लो 20 दिन बाद आप चैप्टर 2 पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो डायरेक्टली चैप्टर 2 मत पढ़ो। आप सबके साथ होता है, बैच खत्म होने के 3 महीने बाद बुक खोलते हो, कुछ समझ ही नहीं आता लेक्चर अटेंड किए थे कि नहीं किए थे। पहले वो रिविजन वीडियो देख लो, आप ही के साथ में रिकॉर्ड किया हुआ रिविजन वीडियो है, उसके बाद में उसको चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करो, आपको बहुत कंफर्ट लेवल रखेगा। अरे हाँ ऐसा था, अरे हाँ हाँ ऐसा, अरे हाँ 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 हाँ, एंड देयर आफ्टर व्हेन यू रीड ना, तो आपका कंफर्ट लेवल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। सो फॉर ऑल द लेक्चर्स आपके रिविजन वीडियोस अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे धीरे धीरे, मेरे हिसाब से 60-70% तो ऑलरेडी हैं, तो जो बचे वो भी हो जाएंगे। सो जस्ट को जब भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसके पहले वो रिविजन वीडियो देख के एंड देयर आफ्टर चैप्टर को रीड करेंगे। अब आते हैं हमारे जो दो टॉपिक बचे, उन दोनों टॉपिक को खत्म करते हैं और चैप्टर 2 हमारे यहाँ पे खत्म होगा। जो दो टॉपिक, दो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, वन इज स्प्लिट कूपन डिबेंचर। स्प्लिट कूपन बॉन्ड, स्प्लिट कूपन डिबेंचर, यहां पे एकदम आराम से पूरी क्लास का ध्यान, यहां पे हमने नहीं पढ़ा, बीकॉम कराया हम सबने, बीकॉम किया ना सबने, तो बीकॉम करते समय हमने एक चीज सीखी है, क्या करना होता है, हमें उस वर्ड को देखना होता है, फिर हमने जब से समझ ली तब से आज तक उस वर्ड के बारे में जितना सुना सोचा समझा उस सब चीज को हमें वहां पे बताना होता है। चलो वो आइडियोलॉजी से इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। स्प्लिट कूपन डिबेंचर एक ऐसा डिबेंचर होगा साहेब, ये एक ऐसा डिबेंचर है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसका जो कूपन, जिसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो स्प्लिट किया हुआ होता है। ये एक ऐसा डिबेंचर है जिसका जो कूपन रेट, कूपन का मतलब समझते ना सब, इंटरेस्ट, कूपन मतलब इंटरेस्ट, जिसका जो कूपन रेट है वो स्प्लिट किया हुआ रहता है। सर कूपन रेट स्प्लिट कैसे किया रहता है मुझे बताओ, एक नॉर्मल बॉन्ड या नॉर्मल डिबेंचर में क्या होता है, मान लो 5 ईयर का है, तो 5 ईयर तक सेम रेट रहता है ना, या तो फ्लोटिंग रहेगा, फ्लोटिंग रहेगा तो हर ईयर चेंज होगा, या फिर कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो जनरली कूपन रेट फिक्स रहता है, फिक्स रहता है मतलब आपके 5 साल का मान लीजिए है, तो एवरी ईयर 10% ये कौन सा डिबेंचर है, स्प्लिट कूपन डिबेंचर, एक ऐसा डिबेंचर जिसके अंदर कूपन रेट स्प्लिट किया हुआ रहता है, मतलब पूरे टेन्योर तक सेम रेट नहीं रहेगा, फर्स्ट 2 ईयर्स तक रेट है 5%, फिर 3 ईयर के लिए रेट है 25%। दिस वुड बी एन एग्जांपल व्हाट स्प्लिट कूपन डिबेंचर। स्प्लिट कूपन डिबेंचर रेफर्स टू अ डिबेंचर इन विच द इंटरेस्ट रेट इज नॉट द सेम ड्यूरिंग द टेन्योर, द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हैज बीन स्प्लिटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स, दिस वुड बी द पॉलिसी फॉर अ फ्यू ईयर्स, दिस वुड बी द पॉलिसी। सर ये कंपनीज क्यों करते हैं, आई विल टेल यू, ये कंपनीज जनरली कैसा करते हैं देखेंगे, मान लो 10 ईयर्स का इश्यू किया है, तो मान लो 5 ईयर्स का कह रहा हूं, तो ये कह देंगे फर्स्ट 5 ईयर्स तक हम लोग इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे 25% पर ईयर के हिसाब से।
तो एन इन्वेस्टर माइट थिंक ना यार अभी ये लोग पे नहीं कर रहे, बट बाद में ये मार्केट से ज्यादा भी तो पे कर रहे हैं, एंड पीपल माइट इन्वेस्ट. एंड फॉर अ कंपनी, इमेजिन आज की तारीख में मार्केट इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देख रहा है दैट हम एक नॉर्मल आदमी तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता. क्यों? इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन द बिजनेस यू नीड टू हैव डीप पॉकेट्स. यू नीड टू हैव डीप पॉकेट्स. अरे डीप पॉकेट्स मतलब क्या यार, आपको इनिशियली लॉस बेयर करना है, अब जिसकी जितनी औकात है खींच लो. हमारे सामने बहुत समय पहले फ्री चार्ज आया था. फ्री चार्ज पता है, फ्री चार्ज अगर आप लोगों ने सुना होगा तो फ्री चार्ज सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहता था, ऑनलाइन रिचार्ज का कंसेप्ट चालू करना चाह रहा था, तो उसके कितने डीप पॉकेट है ये देखना था. स्विगी आया, फूड पांडा आया, अरे 50% ऑफ द नॉर्मल था. फूड पांडा और स्विगी जब शुरू में चले तब जब पैसा, अगर अपन को खाने के लिए पूरा पैसा देना लगता तो बुरा लगता था अंदर से कि पूरा पैसा क्यों ले रहे हैं यार ये, अब क्योंकि 50% ऑफ तो उनका कॉमन था. 50% में तो स्विगी को नहीं पड़ता है खाना, रेस्टोरेंट वाला 50% में नहीं देता है, वो 50% में आपको दे रहा था. फ्री चार्ज में मोबाइल रिचार्ज तो फ्री लगते थे, मतलब तब उस जमाने में ऐसा था कि मोबाइल रिचार्ज तो मतलब अपना पैसा तो लगता ही नहीं अब रिचार्ज पे. अरे उन लोगों ने इतना, जियो, जियो आया, उसने अपन को इंटरनेट तो, अबे इंटरनेट तो फ्री है ना, इंटरनेट के लिए पैसा थोड़ी देंगे. उन्होंने वो कंसेप्ट हमारे सामने ले आए. द पॉइंट इज इन टूडेज कट थ्रोट मार्केट, इफ एट ऑल अ कंपनी वॉन्ट्स टू सर्वाइव दे हैव टू पेनेट्रेट इन द मार्केट. पेनेट्रेट इन द मार्केट मतलब जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर्स है ना उसके साथ में अपन को पहले खड़ा होना है. अब अगर अपन नॉर्मल प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो अपन खड़े कैसे होंगे, तो अपन को ऑलमोस्ट प्रोडक्ट देना होगा फ्री में या फिर एट ह्यूज लॉस टू पेनेट्रेट इन द मार्केट. सो यू नीड टू हैव डीप पॉकेट्स कि आप लॉस बेयर कर सकें, कि बहुत समय तक लॉस बेयर करेंगे, फिर एक बार सबको हमने कर दिया बाहर, एंड देयर आफ्टर योर अर्निंग पीरियड वुड स्टार्ट. दैट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन. आज की तारीख में हर कंपनी को ये करना पड़ता है. कुछ साल में देखेंगे, अगले एक साल में, अभी ओला और उबेर चलते हैं, जब ये भी नए नए आए थे बहुत ऑफर दिए, अभी इन्होंने थोड़ा सा रोक दिए ऑफर्स, अब तो भाई सर्च प्राइसिंग करते हैं हमसे. क्या बात है, हमसे, जी हाँ. रिलायंस कैब ला रहा है, अब रिलायंस के कैब ला रहे हैं. और सर्च प्राइस देना आपको कैसे होते हैं, बारिश आ रही है जाना है इंटू थ्री, हैं फेयर प्राइस का इंटू थ्री देना पड़ेगा आपको. जी हाँ, ऐसे हालत होते हैं इनके. तो आप जब रिलायंस के कैब आ रहे हैं, जब रिलायंस कैब लाएगा तो ऐसा लॉन्च नहीं करेगा पहले मुंबई फिर ऐसा वैसा, वो जब कैब लॉन्च करेगा वो धमाके से ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करेगा. और ऑफकोर्स उसको पता है कि मार्केट ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है किसने, ओला उबेर ने, तो ऑफकोर्स उसको खाने के लिए इनिशियली तो डिस्काउंट पर देना ही पड़ेगा ना. क्यों डिस्काउंट पर देना है, व्हाई विल अ पर्सन शिफ्ट देन. आज की तारीख में हमारा बहुत कंफर्टेबली स्विगी चल रहा है, उबर लाया उबर ईट्स, तो हम उबर ईट्स पे क्यों जाएंगे, हम तभी जाएंगे जब उबर ईट्स हमें कुछ फ्री देगा. फर्स्ट मील फ्री, लो डाउनलोड करो, पहली मील ऑर्डर करो, वापस अनइंस्टॉल. माय पॉइंट इज एक बार इंस्टॉल तो किया ना. सो द पॉइंट इज मार्केट पेनेट्रेट करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. तो कंपनीज को इनिशियली लॉस होता है, हम जियो का एग्जाम्पल लेते हैं, इनिशियली लॉस पे, अब वो भी पैसा तो ले ही रही है ना हमसे, अब इवेंचुअली अभी भी वो पैसा लोगों से कम ले रही है, बट एक बार सब लोग ही रूल आउट हो जाएंगे फिर वो अकेली बचेगी तो पैसा तो लेगी ना आपसे. सो दैट इज हाउ इट इज. सो इनिशियली कंपनी को 0% इंटरेस्ट देना है, और क्योंकि कंपनी खुद इंटरेस्ट पे करने के लिए काबिल ही नहीं है ना, कंपनी का तो लॉस है. लेकिन एक बार कंपनी सेटल हो गई है उसके बाद में कंपनी पे कर सकती है और बेटर इंटरेस्ट. आज मैं हूं, मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे लोन लेना है, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट कहां से दूंगा, अभी तो मैं खुद मार्केट पेनिट्रेट करने जा रहा हूं तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं. तो मैंने इश्यू कर दिए स्प्लिट कूपन डिबेंचर. मैंने आपको विश्वास दिलाया कि सुनो मुझे एक बार मार्केट में पेनिट्रेट करने दो, फिर मैं आपको 25% का इंटरेस्ट दूंगा. अभी 5 साल मुझसे इंटरेस्ट मांगना मत. अब 5 साल एक कंपनी ने मार्केट पेनिट्रेशन किया और उसके बाद में प्रॉफिट हो तो आपको भी 25% इंटरेस्ट देना चालू किया. दिस इज नोन एज स्प्लिट कूपन डिबेंचर. व्हेन द डिबेंचर का कूपन रेट इज व्हाट, स्प्लिटेड, द पॉलिसी इज स्प्लिटेड, दैट इज स्प्लिट कूपन डिबेंचर. एकदम आराम से, एकदम शांति से एक बार रीड करो क्या लिखा है. मॉड्यूल ने आपको एक एग्जाम्पल तौर पर समझाने की कोशिश की है, रीड इट. Are you understanding it? Pretty comfortable. ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. सर ये जो इन्होंने लिखा है ना कि फर्स्ट टू ईयर्स में
कम इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं और बाद में देते हैं, ये क्या टू इयर्स का कोई गोल्डन रूल है क्या? नहीं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ये इनिशियल इयर्स कहना चाहते हैं। इनका लाइन क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है द इंस्ट्रूमेंट इज इश्यूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड इंटरेस्ट अक्रूज इन द फर्स्ट टू इयर्स फॉर सब्सिक्वेंट पेमेंट इन कैश। ये कहना चाह रहे हैं इनिशियली जो अक्रू होता है वो अभी तो देते नहीं है, वो बाद में पे करते हैं, तो इनका मतलब है कि बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर पे करते हैं। तो एकदम आराम से, दैट माइट कंफ्यूज यू, बट द सेकंड लाइन इज प्रीटी क्लियर, दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ कैश आउटफ्लो इन अ न्यू प्रोजेक्ट, कि इनिशियली पे नहीं करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कैश जनरेटिंग कैपेसिटी, के जैसे हम कैश जनरेट करेंगे उसके बाद में हम पे कर देंगे स्प्लिट कूपन डिबेंचर। सो इन्होंने लिखा है दिस इंस्ट्रूमेंट इज इश्यूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, इसका मतलब क्या है, व्हाट दे मीन टू से इज डिस्काउंटेड प्राइस पे डजंट मीन कि वो इनिशियली आपको कंपल्सरी डिस्काउंट पे ही देंगे, हो सकता है वो लोग डिस्काउंट पे दें, बट इस इंस्ट्रूमेंट का मेन फीचर ये है कि इनिशियल ईयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बाद में आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे मीन टुडे मीन टू से, बाकी दे मे इश्यू इट एट डिस्काउंट ऑल्सो, दे मे इश्यू एट डिस्काउंट ऑल्सो टू इनवाइट, टू लोगों को थोड़ा सा अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए कि हाँ भाई यार प्लीज हमारे डिबेंचर खरीदो, तो यू कैन इश्यू एट ए डिस्काउंट ऑल्सो, मे बी इश्यू एट डिस्काउंट, ऐसा दे मे बी इश्यू एट डिस्काउंट, तो ऑनलाइन करेंगे इश्यू एट डिस्काउंटिंग प्राइस को भी, और जो हमने लिखा एग्जाम्पल उससे एनीवेज आपको क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम्पल पेन डाउन कर ले बस। स्प्लिट कूपन डिबेंचर, एक ऐसा डिबेंचर जिसकी कूपन रेट पॉलिसी स्प्लिट की गई है। सर क्या दो पैड, आपने एग्जांपल लिया इनिशियली जीरो बाद में 20, सर क्या तीन तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, इनिशियली जीरो थोड़े टाइम बाद 10 थोड़े टाइम बाद 20, कुछ भी कर सकते हो आप, जिस भी तरह से आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हो, इट्स योर इंटरनल पॉलिसी, यू कैन डू एनीथिंग विद इट, यू कैन डू एनीथिंग विद इट, ऐसा डन इजी। स्प्लिट कूपन डिबेंचर कंसेप्ट के नाम से याद आ जाएगा आराम से, तो ये भी हमको तकलीफ नहीं दे रहा है। सर अभी तक तो तकलीफ ज्यादा किसी ने दी नहीं है, एकदम कंफर्टेबली। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ईडीएफ। चलो लास्ट पेज पे आएंगे, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एकदम प्यार मोहब्बत से समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। चलो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सबसे पहले आपको बताता हूं इन फंड से इनके कहने का मतलब क्या है। दे विल बी क्रिएटिंग अ फंड, एकदम ध्यान से, दे विल बी क्रिएटिंग अ फंड, फंड का मतलब ही क्या होता है आप मुझे बताओ। मैंने एक फंड बनाया है, अरे फंड मतलब जहां पे आप सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, उसे ही तो फंड कहते हैं। फंड किसे कहते हैं, जहां पे सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सबसे पहले चीज कह दी कि एक फंड बनाया, एकदम ध्यान से। चलो सबसे पहले चीज हो गई कि एक फंड बनाया, ठीक है साहब। अब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है, पब्लिक कैन कंट्रीब्यूट, पब्लिक कंट्रीब्यूट करती है इस फंड में, ठीक है। तो इस फंड के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, यह पैसा कहां से आया, पब्लिक ने दिया, उसके बाद में ये फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। सर ये पैसे को इन्वेस्ट कहां करता है, ये इन्वेस्ट कहीं भी कर सकता है, ये कर सकता है कंपनीज के शेयर्स में, ये कर सकता है आपके पैसे को इन्वेस्ट गोल्ड में, ये कर सकता है किसी अदर कमोडिटी में भी, किसी अदर कमोडिटी में भी। दिस इज अ फंड, फंड सिक्योरिटीज लॉ में मींस वेयर इन यू पूल मनी फ्रॉम पीपल एंड यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर शेयर और अ फ्यू शेयर्स और अ ग्रुप ऑफ शेयर्स और अ कमोडिटी और गोल्ड और एनीथिंग। गोल्ड ETF काफी फेमस है हमारे यहाँ पे। अब सर चलो जो टॉपिक का नाम है दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो फंड तो समझ गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे फंड्स, ये फंड क्या होता है समझा, ऐसे फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड किए जाते हैं ना, लिस्ट मतलब वहां पे ट्रेड किए जाते हैं। तो ऐसे फंड्स विच आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर नोन एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप चाहें तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टर बन सकते हैं। यहां पे अगर मैं हूं, मुझे आज पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो आई हैव एन ऑप्शन, आई कैन ईदर डायरेक्टली बाय शेयर्स इन द मार्केट,
आई कैन डायरेक्टली बाय गोल्ड, आई कैन डायरेक्टली बाय एनी अदर कमोडिटी, अरे बट बहुत रिस्क लगता है शेयर खरीदने, तो कौन सा शेयर खरीदूं, कब खरीदूं, सर कब खरीदूं क्यों, अरे शेयर की प्राइस बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत वॉलेटाइल होती है शेयर की प्राइस, तो कब खरीदूं ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। गोल्ड, अरे कब खरीदूं, गोल्ड की प्राइस भी तो चेंज होती रहती है, तो कब खरीदना है कब बेचना है इज द रियल क्वेश्चन। तो ये मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता, तो व्हाट आई डू, आई गिव माय मनी टू दिस फंड। इस फंड के अंदर एक बेहतरीन सा व्यक्ति होता है जो कि इज एन पर्सन हुज गॉट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, देन दिस पर्सन इन्वेस्ट योर मनी एट द करेक्ट प्लेस एट द करेक्ट टाइम। सर इन्हें कहा जाता है क्या ETF? जी हाँ इन्हें कहा जाता है ETF, क्या अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, तो इन्हें कहा जाता है ETF। ETF बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसे लिस्टेड होते हैं जैसे कि गोल्ड ETF, मतलब आप इस ETF में अगर इन्वेस्ट करोगे तो ETF फाइनली पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड में, क्लियर। ऐसे ही आपके अलग अलग शेयर के भी ETF बनते हैं, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स देन? म्यूचुअल फंड जैसे ही तो लग रहा है हमको ये, नहीं, म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट ओनली इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट ओनली इन शेयर्स और सिक्योरिटीज, इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड, इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन अदर कमोडिटीज, वेयर एज दिस ETF कैन इन्वेस्ट इन अदर कमोडिटीज। सेकेंड डिफरेंस, ETFs आर ट्रेडेड लाइक अ शेयर, जैसे कि कंपनीज के शेयर लिस्टेड होते हैं ना वैसे ETF भी लिस्टेड होते हैं, ETF को आप खरीदते हैं लाइक यूनिट ऑफ शेयर, लाइक अ शेयर ओनली आप खरीदते हैं ETF को, वेर इज म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल फंड तो आप खरीदते हैं लाइक अ यूनिट, आप उसकी यूनिट खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड इज नॉट ट्रेडेड लाइक अ शेयर, वेर इज ETF इज ट्रेडेड लाइक अ शेयर। जैसे कि म्यूचुअल फंड है ना, तो आप में से कुछ लोगों को गलतफहमी होगी कि म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, बट ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, आप बिना डीमैट अकाउंट के भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, बट ETFs are traded like a share, तो ETF को खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो ETF is like a share only, whereas mutual fund is a fund in which you are the unit holder and there is a trust and such concept। तो म्यूचुअल फंड से कंफ्यूज ना करेंगे इसको, ETF refers to exchange traded funds, it refers to a fund which is traded on exchange like a share, it refers to a fund which is traded on exchange like a share। This fund comprise of multiple things like a commodity, like a some share. So this fund can invest your money into n number of things. एकदम शांत मन से आप क्या करेंगे, एक बार ETF को हमारे नोट्स से पढ़ेंगे कि ETF नोट्स में क्या लिखा है, ETF के बारे में नोट्स में क्या लिखा है। सर थोड़ा थोड़ा समझा सर, एक मिनट आराम से। कुछ भी न्यूज़ लाते हैं आजकल ये लोग। ETF चल चलो, गुगलिया क्या बताता है ETF के बारे में देखते हैं। गुगलिया का कहना है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF, इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यही पढ़ा ना हमने, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इट रेफर्स टू अ फंड विच इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इट रेफर्स टू अ फंड विच इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ शेयर। ठीक है सर, मनी कंट्रोल पे जाके देखते हैं एक्चुअली ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है क्या। चलो एकदम कंफर्टेबली, ये देखो यारों, ये हैं आपके पॉपुलर ETFs, ETFs और उनकी परफॉर्मेंस दिख रही है आपको,
थोड़ी बहुत हाँ दिख रही है ना क्लियरली आपको, इनिशियली थोड़ा सा कट रहा है ना, एकदम ध्यान से। रिलायंस ETF, हैंग सेंग BES, रिलायंस क्लोज एंडेड इक्विटी, मोतीलाल शेयर्स NASDAQ, रिलायंस ETF कंजम्पशन, एडेलवी CTS बैंकिंग, कोटेक बैंकिंग ETF, रिलायंस ETF बैंक, कोटेक एनवी ETF, ETF प्रू ETF, रिलायंस ETF जूनियर, ये सब क्या है? ये सब इन लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं ETF। अगर आप इनको खरीदते हो, इन ETF को खरीदते हो, इट मीन्स इनडायरेक्टली वो आपके बिहाफ पे फाइनली इन्वेस्ट करेंगे किसी शेयर के अंदर। एकदम आराम से आपको ये कुछ जगह दिख रहा है ETF के अंदर सेंसेक्स निफ्टी लिखा है, मतलब वो ETF सिर्फ कहां पे इन्वेस्ट करेगी? सेंसेक्स और निफ्टी में। बट द क्वेश्चन इज व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो रैदर देन यू सेलिंग एंड बाइंग एट योर, आपके नॉलेज बेस से कब खरीदना कब बेचना है, ये लोग खरीदते और बेचते हैं आपके बिहाफ पे। आपने इनको पैसे दिए, फिर ये लोग खरीदे बेचेंगे ETF और आपको उसका रिटर्न मिलता है। अब यहां पे देखते हैं इनका जो भी आपको दिख रहा है अभी कितने का ETF वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पे दिए। लेटेस्ट प्राइस जैसे कि बता रहे हैं 3200, परसेंटेज चेंज, असेट का साइज कितना है, ये सारी चीजें, पिछले एक साल में वो कितना रिटर्न वगैरह दे चुके हैं, ऑल द डिटेल्स। दीज आर ETFs, आई टेल यू 95% ETF और म्यूचुअल फंड सेम होते हैं। 95% ETF एंड म्यूचुअल फंड्स आर वन एंड द सेम थिंग। द डिफरेंस इज जस्ट दैट ETFs आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ शेयर, वेयर एज म्यूचुअल फंड्स आर जस्ट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दे आर नॉट ट्रेडेड लाइक अ शेयर। दिस इज द डिफरेंस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहां पे कहीं पे हमको ये देखिए आपको गोल्ड वाले बीचों बीच मिला जी, तो इस प्रकार के भी ETF होते हैं। ये लोग मोरलेस गोल्ड के फ्यूचर्स वगैरह खरीदते बेचते रहते हैं। ये बहुत सारे गोल्ड दिखेंगे आपको, बिरला इन्वेस्टको गोल्ड वगैरह वगैरह इस प्रकार के। सर ये जिन जिन के आगे बैंकिंग लिखा था उसका मतलब क्या है? वो अलग अलग प्रकार के बैंकिंग कंपनीज के शेयर खरीदेंगे, HDFC, SBI, अलग अलग तरह के बैंकिंग कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। इस प्रकार से दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, प्रेटी इजी राइट, कुछ भी नहीं है। आते हैं हमारे नोट्स में, नोट्स में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। चलिए चलिए ETF आपके मॉड्यूल में, आपके नोट्स में आपके पास है, यू रेड इट, इट्स डैम कंफर्टेबल। व्हाट वाज रिटन देयर वाज जस्ट ETFs आर सिमिलर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बट आर ट्रेडेड मोर लाइक अ शेयर। जैसे कि मैंने आपको कहा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दिस रिफर्स टू फंड्स हु आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज लाइक अ शेयर। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दीज आर फंड्स हु आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज लाइक अ शेयर। उसके बाद में एज द नेम इंप्लाइज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स रिप्रेजेंट अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज हो सकती है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जैसे कि ETF हमने देखा बिरला सनलाइफ बैंक ETF, मतलब ये अलग अलग तरह के बैंक के शेयर्स खरीदता है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। गोल्ड ETFs आर मोस्ट पॉपुलर अमंग द ETFs, गोल्ड ETFs बहुत पॉपुलर होते हैं। फिजिकल गोल्ड इज केप्ट एज अंडरलाइंग सिक्योरिटी, अंडरलाइंग सिक्योरिटी मतलब गोल्ड की प्राइस की वजह से तो ETF के प्राइस चेंज होंगे। अगर मान लीजिए आज मैंने गोल्ड ETF खरीदा, कल को गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ गए, तो गोल्ड ETF के प्राइस भी तो बढ़ेंगे, तभी तो मेरा फायदा होगा, फिर मैं उसको हायर प्राइस पे बेच पाऊंगा। सो रैदर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, आई कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फ्यूचर्स, और बेटर आई कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF। ETF में और अच्छा हो जाता है बिकॉज कोई एक एक्सपर्ट व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा व्हेन टू इन्वेस्ट के अंदर, वेयर टू इन्वेस्ट आई हैव डिसाइडेड, व्हेन टू इन्वेस्ट में वो मेरी हेल्प करेगा। दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एज इजी एज दैट, फंड्स विच आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ शेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दीज आर द फ्यू लाइंस, और इसके साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। इज दैट कंफर्टेबल? चलिए यार एकदम कंफर्टेबली, नहीं नहीं आप लोग वहीं रुकिए। या थैंक यू सो मच।